अभी बिल्कुल इस वक्त हम हलका 169 में मौजूद हैं। यहाँ पर जो है 5 पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। जो निजी तौर पर मुकाबला है, सियासी कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट के दरमियान। जो है इस हलके के मसाइल क्या हैं, किस कदर दुश्वारी का सामना है लोगों को, मजीद हलके की आवाम से जानते हैं कि वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस बार आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? इलेक्शन का कोई पता नहीं हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, फिलहाल तो खामोशी है अभी। अच्छा, हलका NX 69 तहसील लियाकतपुर के जो मसाइल हैं, इसके मुताबिक आप क्या कहें? मसाइल तो इधर बहुत हैं, लेकिन हल किसी ने नहीं किए। हम नून लीग को वोट देंगे क्योंकि चौधरी मकसूद ने लियाकतपुर शहर के अच्छे काम किए हैं। हम काम वाले को देंगे, जो भाग जाते हैं उनको नहीं देंगे। जी हमारे साथ बाबा मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, इस बार इलेक्शन में कौन सी पार्टी को सपोर्ट करें? पार्टी चौधरी मकसूद को देंगे, नून लीग को। नून लीग को वोट देंगे। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो तहसील लियाकतपुर के जो मसाइल हैं, सेवरेज के हैं, अस्पताल में अद्वियात की कमी है, दीगर मसाइल, पीने का साफ पानी है, क्या मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट जो हैं वो हल कर पाएंगे? तो मुस्लिम शुरू से ही मुस्लिम लीग को दे रहे हैं, नून लीग को। तो चौधरी मकसूद हो या कोई भी MP बड़े, उसको दे रहे हैं। जी हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, इस बार इलेक्शन में आम इंतखाबात में कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए ट्रैक रिकॉर्ड जमहूरियत के हवाले से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो कुछ किया है, बाकी तो सारे फसली बटे रहे हैं। वोट तो हम नवाज शरीफ को देंगे, लेकिन अफसोस हो रहा है यहाँ के जो मकामी नुमाइंदगान हैं उन पर, कि हमारा जो लियाकतपुर है वो खंडरात में तब्दील हुआ पड़ा है। यहाँ के जो मसाइल हैं वो जूं के तू हैं। मतलब इस बार ये जो MN MPS इकदार में तो आए हैं, लेकिन लियाकतपुर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जी बताइएगा, 8 फरवरी इलेक्शन के दिन है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम उसी को वोट देंगे जो हुजूर के खत्मे नबूवत की पैरा देगा। हम इंशाल्लाह जो ये फे जमीयत उलमाए इस्लाम को वोट देंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो इस बार किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, किसको वोट देंगे। 8 फरवरी आम इंतखाबात का ऐलान किया गया है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, हम इंशाल्लाह PTI को सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। PTI को सपोर्ट करेंगे, वजह? भाई ईमानदार इंसान है और वो अमेरिका का गुलाम नहीं। बस बिल्कुल हमारे साथ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी 8 फरवरी को आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह तहसील लियाकतपुर में हमेशा से ही मखदूम फैमिली जो रही है वो इसके लिए यहाँ के मौसम रहे हैं, और वैसे भी मुस्लिम लीग नून ने उन्हें इंशाल्लाह टिकट जारी किया है, तो मुझे भरपूर उम्मीद है 100% मखदूमों को किसी टिकट की ज़रूरत नहीं है। मखदूमों को ही टिकट दी जाती है ताकि उनकी जीत यकीनी होती है। जी हलका 169 के शहरियों से हमारी बात हुई, तो यहाँ पर वो अवामी नुमाइंदों से शिकवा करते दिखाई देते हैं कि आज तक हमारे जो मसाइल हैं जू के तू हैं, किसी अवामी नुमाइंदे ने मसाइल हमारे जो है हल नहीं किए। इलेक्शन के दिन सब सियासी नुमाइंदे उमड़ आते हैं, मुंतखब होने के बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं। शहरियों का कहना था कि इस बार हम उस कैंडिडेट को वोट देंगे जो हमारे मसाइल हल करेगा। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ, जो कांटेदार मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के दरमियान है। साथी रिपोर्टर राना मोहम्मद वैस इकबाल के साथ गुलाम अली, डिस्कवर पाकिस्तान, लियाकतपुर।